बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा आज पहुंचे गुना, जहां उन्होंने मन मनोचिकित्सा संस्थान एवं नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने इस कार्य को करने वाले डॉक्टर भाटी की सराहना की। वहीं उन्हें आमंत्रण भी दिए कि यदि वे दिव्यांग बच्चों का कोई हॉस्टल चलाना चाहते हैं तो उसका प्रपोजल बनाकर उन्हें दें। साथ ही डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर दुनिया में सबसे अच्छी कोई जगह है तो वह इन बच्चों के बीच ही है। टेंशन सब चीजें डेवलप होता है, बॉडी का मूवमेंट मूवमेंट बहुत तेज ही होना चाहिए। हमारे बच्चे बनाने से बच्चे के हाथ की आज गुना शहर की इस मन संस्था के अंदर आया हूँ। मैं यहाँ के संचालकों से और यहाँ के जो भी इसको करता रहता है सबसे मिला हूँ। मुझे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। ऐसे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं जो परिवार भी थोड़े समय के बाद अपने ऊपर ऐसा मान लेता है कि एक समस्या है, तो उन बच्चों की परवरिश करना और उनको व्यवहारिक जीवन में आगे बढ़ सकें, इस काम के लिए मैं मन संस्था को उनके संचालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में सरकार की इसी योजना के साथ अगर ये जुड़ना चाहें तो मैं आयोग अध्यक्ष होने के नाते उन योजनाओं में भी मैं चाहूँगा कि इसमें अगर कोई भी योगदान होगा तो सरकार के लिए और हमारे शहर के लिए बहुत ही एक अच्छा काम होगा। ये सर इन्हें जो मांग रखी हॉस्टल वाली उसको लेकर यहाँ एक इन सब बच्चों की पेरेंट एसोसिएशन बनाई है, उस एसोसिएशन के माध्यम से अगर कोई हॉस्टल चलाना चाहती हैं संस्थाएँ तो मैंने आपको बोला है कि आप कलेक्टर के यहाँ अपील उसके अप्लाई कर दीजिए, उसका एक कॉपी आयोग को भी दीजिए। हम यथासंभव और यथाशीघ्र उसको सरकार की योजना में लाने का काम करेंगे।